अब हम लोग कुछ वास्तविक फलन को देखेंगे। कुछ वास्तविक फलन जिसके अंतर्गत पहला है तत्समक फलन, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक ना, तो देखिए क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। फलन एफ ए टू बी तस्मक फलन कहलाता है यदि प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एफ एक्स बराबर एक्स हो। ठीक ना, देखिए जैसे अगर एफ यक्स, देखिए एग्जांपल है एक्स, इसका मतलब देखिए यदि आप यक्स का कोई भी मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक ना, यक्स का कोई भी मान रखेंगे तो हमको एफ एक्स भी वही प्राप्त होगा। ठीक ना, जैसे अगर यहाँ मैं पाँच रखूँ, अगर मैं यक्स का मान पाँच रखूँ तो हमको एफ एक्स कितना मिलेगा, ये पाँच ही प्राप्त होगा, मतलब जो रख रहे हैं वही हमको मिल रहा है। ठीक ना, और यदि इसकी हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ क्या बनता है इसका, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये शून्य, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक ना, तो यदि हम पहले यहाँ पर x बराबर जीरो ले लें तो f जीरो बराबर ये जीरो ही प्राप्त होगा। x बराबर एक रखें, f a बराबर एक, f दो मतलब x बराबर दो रख रहे हैं तो ये दो आ रहा है, x बराबर तीन, f तीन बराबर तीन। ठीक ना, तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका क्या आएगा, f0 पर देखिए ये जो एफ एक्स है वो वाई है। ठीक ना, ये वाई है क्योंकि हम यहाँ पर जब जैसे यक्स का मान अगर हम यक्स अक्ष पर रख रहे हैं तो एफ वाई का मान यहाँ वाई अक्ष पर रख रहे हैं, ये एफ एक्स है। ठीक ना, यक्स इधर तो एफ एक्स इधर, और इसको वाई अक्ष पर रख रहे हैं तो इसको वाई बोलते हैं। ठीक ना, इसलिए हम इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करते तो हम इसको लिखते हैं वाई बराबर एक्स लिखते हैं इस प्रकार। ठीक ना, तो अब देखिए यहाँ पर x बराबर जीरो है तो कितना, ये जीरो ही आया, वन पर वन ही आया तो ये वन आया देखिए, और टू पर टू आया और थ्री पर थ्री आया है। ठीक ना, तो एक वो हम प्लॉट कर लेते हैं इसको, देखिए एक सीधी रेखा आएगी इसे। ठीक ना, तो इस प्रकार जब तस्मक फलन का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो ये एकदम सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक ना, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। आप इसके डोमेन की बात कर लें, डोमेन मतलब प्रांत, और ये रेंज की बात करेंगे। ठीक ना, इसको प्रांत बोलते हैं और इसको परिसर बोलते हैं, प्रांत और परिसर। तो देखिए प्रांत क्या है, देखिए ये वास्तविक फलन है। ठीक ना, तो वास्तविक फलन में हम x का मान कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रख सकते हैं। ठीक ना, तो जैसे देखिए प्रांत क्या होता है, ये प्रांत वो होता है जो x का मान जो हम रखते हैं। ठीक ना, x का मान जो रखते हैं उसको प्रांत बोलते हैं, और जो fx का मान आता है उसको परिसर बोलते हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो प्रांत क्या है, ये r हो गया। ठीक ना, कोई भी वास्तविक संख्या, और आंसर में क्या आ रहा है, वही वास्तविक संख्या जो रख रहे हैं वही आ रहा है। ठीक ना, तो इसलिए परिसर में भी आर ही हो जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार तस्मक फलन हो गया। अब इसके बाद देखेंगे अचर फलन। देखिए अचर फलन क्या होता है, अचर फलन,
ठीक ना, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें देखते हैं परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, यदि एफ या फलन लिख लेते हैं यहाँ पर, फलन ए टू बी एक या अचर फलन कहलाता है, अचर फलन कहलाता है यदि प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए, है ना। अब यो अगर ए का है, यदि यक्स, यदि प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए के लिए एफ एक्स बराबर सी हो, ठीक ना। मतलब यक्स का मान कुछ भी रखिए या समुच ए का कोई भी अवयव ले लीजिए, उसका एफ एक्स का मान हमेशा सी ही प्राप्त हो, ठीक ना, अचर पद ही प्राप्त हो, ठीक ना। तो देखिए, जैसे ए लिखा है एफ एक्स बराबर सी, तो मतलब अगर यदि आप यक्स का मान एक रखिए तभी एफ वन का मान सी ही आएगा, कोई भी एक अचर मान होगा। यक्स का मान दो रखिए तब भी यक्स का मान, यक्स एफ टू का मान टू, ये सी ही आएगा, ठीक ना। तो ऐसे फलन को अचर फलन बोलते हैं। अब देखिए, इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ है, ये एक्स अक्ष है, तो ये एफ एक्स है ये, ठीक ना, ये एफ एक्स या इसको वाई एक्स बोलते हैं, और ये जीरो। अब देखिए, ये जो सी है, सी मान लिया ये कुछ दूरी है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है सी, और ये, ठीक ना। अब देखिए, यदि आप यक्स का मान कुछ भी रखिए, यक्स का मान एक रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, -1 -2 -3 -4 रखिए, ठीक ना, आपको हमेशा एफ एक्स सी ही दे रहा है। तो यक्स का मान एक रखने पर, एफ रखने पर भी इतनी एफ एक्स का मान सी ही आ रहा है, दो रखने पर भी एफ एक्स का मान सी ही आ रहा है, तीन और चार रखने पर इस प्रकार इधर भी वही सी ही मान आ रहा है, एफ एक्स का मान सी ही आ रहा है। तो जब हमने इसको मिलाया तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, ठीक ना। तो ये रेखा किसकी होगी, देखिए, अगर एफ एक्स बराबर सी है, ठीक ना, तो ये यक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं एफ एक्स बराबर ये सी। सी का मतलब आप यहाँ पे दो तीन कुछ भी रखिए, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, अगर एफ एक्स बराबर थ्री है, इसका मतलब एक्स का मान आप कुछ भी रखिए, वन रखिए, टू रखिए, -3 -4 रखिए, आपको हमेशा एफ एक्स तीन देगा, या वाई का मान हमेशा तीन प्राप्त होगा। तो यदि इसको हम एक प्लॉट करें, टू थ्री फोर, एक दो तीन चार पाँच, ये वाई अक्ष है ना, या इसको एफ एक्स बोलिए, 1 2 3 4। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर एक्स का मान कुछ भी रख लें, वन रखें, जीरो रखें, टू रखें, -1 रखें, -2 रखें, हमको एफ एक्स का मान हमेशा और हमेशा तीन ही प्राप्त होगा। तो मतलब अगर रखें तो यहाँ पर तीन आया, टू रखे एक्स का मान थ्री आया, फोर आया, ऐसे हमेशा ये आएगा। तो स्ट्रेट लाइन ये लिख लिया, इधर माइनस में रखेंगे तो भी यही मान आएगा। तो ये हो गया एफ एक्स बराबर ये तीन हो गया, ठीक ना। तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब इसका प्रांत देखते हैं क्या आता है, प्रांत या डोमेन, और इसका परिसर या रेंज देखेंगे। तो प्रांत क्या होता है, प्रांत में मतलब वो मान जो हम यक्स का मान रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, ठीक ना। तो प्रांत क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये। परिसर में क्या आएगा, देखिए, हम कुछ भी मान रख लें हमको हमेशा सी ही प्राप्त होगा, ठीक ना। सी है तो सी प्राप्त होगा, यदि हम तीन मान लिए तो तीन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार परिसर में आ जाएगा सी। तो इस प्रकार ये अचर फलन हो गया। अब पढ़ते हैं बहुपदीय फलन। बहुपदीय फलन, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन।
पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, देखिए एफ एक्स बराबर ए नॉट ए वन एक्स, ए टू एक्स की पावर टू, ए थ्री एक्स की पावर थ्री, इस प्रकार ये ए एन एक्स की पावर एन, इस प्रकार होगा। इसके ऊपर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन क्या है, ये शून्यतर, शून्यतर, ठीक ना, शून्यतर पूर्णांक है। इसको बोलते हैं नॉन जीरो इंटीजर, है ना, जो जीरो ना हो, ठीक ना, जीरो ना हो ऐसे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर, ठीक ना, ये फलन देखिए इसमें एफ आर टू आर है ना, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। तो इसमें एक फलन ले लिया एफ एक्स बराबर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका एक फल लिख लेते हैं, देखिए ग्राफ किस प्रकार बनता है, तो इससे हमको डोमेन और रेंज प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें लिखा देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक ना। तो ये हो गया एक्स, और यह वाई एक्स, तो ये एफ एक्स हो जाएगा, या इसको वाई बोलते हैं, ठीक ना। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो इसके मान रख लेते हैं, देखिए अगर एक्स का मान एक रखेंगे हम, तो यहाँ पर एफ वन कितना जाएगा, वन हो जाएगा। अगर हम एफ टू रखें, तो एफ टू का मान कितना जाएगा, दो का वर्ग, मतलब ये चार प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। यदि हम एक्स का मान जीरो रखें, तो ये जीरो, तो एफ जीरो तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक ना। एक्स का मान अगर माइनस वन रखें, तो एफ माइनस वन कितना जाएगा, देखिए वर्क करने पर ये प्लस में आ जाएगा, ठीक ना, वर्क करने पर। और एक्स का मान अगर माइनस टू रख दें, तो ये एफ माइनस टू बराबर माइनस टू का वर्ग भी प्लस हो जाएगा, तो ये फोर आया। मतलब अगर हम एक्स का मान माइनस भी क्यों ना रखें, हमको इस फलन के कारण हमको जो एफ एक्स प्राप्त होगा, वो हमको प्लस में ही प्राप्त होगा, ठीक ना, वर्ग हो जाने के कारण। तो देखिए इसका प्लॉट कर लें, तो जीरो पर जीरो है, एक पर एक ही है, ये रहा, और दो पर चार है। तो देखिए दो पर ये चार हमने बना लिया। इसी प्रकार माइनस वन पर माइनस पर वन है, माइनस टू पर फोर है, ठीक ना। तो देखिए इसका प्लॉट कर लेते हैं हम इसको, देखिए ये ऐसे प्लॉट हुआ, ठीक ना, ये पैराबोला हुआ, ये आगे के चैप्टर में है, इसका अध्ययन है। तो देखिए इसको हमने जब बनाया, तो ये हमको ये प्राप्त हुआ, ठीक ना। मतलब x का चाहे माइनस लीजिए चाहे प्लस लीजिए, प्लस वाला चाहे माइनस वाला लीजिए, y हमेशा आपको दोनों तरफ प्लस ही प्लस प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब अगर हम डोमेन और रेंज निकाल लिखें तो क्या आएगा, तो देखिए डोमेन लिख दे रहे हैं, है ना, इसको प्रांत बोलते हैं, और रेंज क्या है, परिसर। तो डोमेन मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो है ना, एक्स का कोई भी मान रख दें, मगर रेंज में क्या आ रहा है, हमको हमेशा प्लस में आएगा, ठीक ना, हमेशा प्लस में आएगा। तो आर प्लस लिख सकते हैं इसको, ठीक ना, या देखिए जीरो से अनंत तक इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना, जीरो भी है, और जीरो से अगर कोई भी बड़ी संख्या या प्लस में आ सकता है। तो इस प्रकार देखिए इसका डोमेन और रेंज देखिए ये प्राप्त हुआ, ठीक ना, प्रांत और परिसर, प्रांत और ये परिसर हो गया, ठीक ना। और एक बहुपदी फलन और ले लेते हैं, तो इसे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो लिखते हैं x के पावर थ्री ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये भी यही है, r टू r में एफ एक्स बराबर x के पावर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का मान अगर जीरो रखा, तो f जीरो का मान तो जीरो आया, अगर x का मान वन रखा, तो f वन का भी मान वन ही आया, ठीक ना, वन रखने पर वन ही आएगा। x का मान अगर दो रखा, तो f टू कितना आ गया, दो की घात तीन, मतलब ये आठ आ गया। इसी प्रकार अगर x का मान माइनस वन रख के देखें, तो ये माइनस वन पर माइनस वन की घात तीन माइनस वन आ जाएगा, ठीक ना। x का मान अगर माइनस दो रख दें, तो f माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस टू की घात तीन, ठीक ना। तो देखिए इसका मतलब
माइनस दो को तीन बार गुणा करिए, ये इस प्रकार, तो ये आ जाएगा। देखिए दो माइनस कैंसिल, एक माइनस बच जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, ये माइनस में भी आ रहा है, ठीक ना। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए इसका हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ, चार पाँच छ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक ना। देखिए अगर जीरो रखें तो जीरो आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे ये जीरो आ रहा है। यदि एक्स का मान वन रखना है तो ये भी वन आ रहा है, तो ये वन टू है, ठीक ना, तो ये वन आ रहा है, ठीक है। अगर हम दो रखें, एक रखे तो रख लिए, दो रखे तो आठ आएगा, तो दो रख रहे हैं तो कहीं ये लगभग इधर आठ आ जाएगा, ठीक ना। अगर हम ये अक्ष का मान माइनस वन रख दें तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस वन ही आ रहा है, तो ये माइनस वन नीचे की तरफ आएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये यहाँ पर आ जाएगा लगभग, ठीक ना। एग्जैक्ट दिखाएंगे तो ये माइनस वन यहाँ पर आ रहा है हमको, ठीक ना। अब फिर यदि माइनस टू रख दें तो माइनस एट आ रहा है, तो देखिए माइनस टू है तो लगभग ये माइनस एट यहाँ लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, ग्राफ करेंगे तो आ जाएगा, तो ये आ गया। अगर हम इसका प्लॉट करें तो देखिए इस प्रकार आएगा, ये आया और ये इस प्रकार आया, ठीक ना। तो देखिए x के पावर थ्री में ये ग्राफ बनता है। अगर हम इसका डोमेन और रेंज की बात करें, देखिए डोमेन क्या आ गया, डोमेन में तो कोई भी वास्तविक संख्या रख दिया आ गया उतना, रेंज में भी देखिए प्लस में भी आ रहा है, प्लस में भी y का मान आ रहा है, माइनस में भी y का मान आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसका रेंज भी आ ही हुआ, कोई भी वास्तविक संख्या रेंज में भी आएगा, ठीक ना। मतलब यदि हम x का कोई भी वास्तविक संख्या रखें तो हमको जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस ही मिलेगा, पावर थ्री होने के कारण माइनस भी मिलेगा इसमें, ठीक ना। माइनस में रखने से माइनस भी प्राप्त होगा हमको, इसलिए सभी वास्तविक संख्या इसमें हमको रेंज बन जाएंगी, ठीक ना। तो इस प्रकार बहुपदी फलन हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय फलन, परिमेय फलन इसको बोलते हैं रैशनल, रैशनल नंबर, रैशनल फलन, ठीक ना। तो रैशनल नंबर जैसे इसका था, फलन में भी क्या होगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स बटे एच एक्स। तो यदि आप इस प्रकार लिखे हैं तो ये नीचे वाला पद, ये जो बहुपद है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इज नॉट शुड नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ठीक ना। इस प्रकार हम देखें परिमेय फलन का कई भी इस तरह कई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए अगर इसका ग्राफ बनाने की बारी आई तो इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमिनेटर होता है ना, अंश और हर के जो बहुपद होते हैं परिमेय संख्या में, जो बहुपदी होते हैं ये, इस पर इनके ग्राफ को इन पर ये ग्राफ आधारित होता है, ठीक ना। ये जैसे जैसे इसके मान बदलते जाएंगे यहाँ आपको ग्राफ भी बदलता चला जाएगा, इसलिए इस परिमेय फलन का ग्राफ इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। मगर इसमें एक व्युत्क्रम फलन आता है, उसका ग्राफ हम देख लेते हैं, व्युत्क्रम फलन, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक ना। जैसे एफ एक्स बराबर एक बटे एक्स, ठीक ना, तो इसको ये होता है। तो इसका देखिए ग्राफ किस प्रकार बनेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस फलन को देख के लग रहा है कि हमको एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। मतलब एक्स का मान हम कुछ भी रख दें चलेगा, मगर एक्स का मान जीरो नहीं रह सकते, क्योंकि यदि एक बटे जीरो हो जाएगा तो ये चीज़ अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित भाषित हो जाएगा, ठीक ना, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जीरो को छोड़कर हम यक्स का मान, कोई भी यक्स का मान रख सकते हैं। तो देखिए हमने जैसे बोला था कि यक्स का मान जो भी हम यहाँ रखते हैं उसी को डोमेन या प्रांत बोलते हैं। तो हमको क्या मिला, सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं बस शून्य को छोड़कर। तो ये तो देखिए डोमेन हमको प्राप्त हो गया, रेंज देखिए हम क्या निकालते हैं। तो हम इसका पहले ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींचने के बाद हमको रेंज पता चल जाएगा, ठीक ना, आसानी से पता चल जाएगा। देखिए जीरो है, ये वन है, ये टू है,
ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ये वन और टू, ये एक्स अक्ष और ये एफ एक्स या ये वाई हो गया, है ना। वाई एक्स पर दिखाया तो ये वाई हो गया। अब देखिए ये अगर मैं यहाँ जीरो से वन के बीच का कोई मान यहाँ रख दूँ, ठीक ना, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा। अगर मैं जीरो से वन के बीच में कोई भी मान रख दूँ, देखिए रखता हूँ मैं यहाँ पर जैसे एक्स का मान, पहले देखिए इन दोनों के बीच में 0.5 आ रहा है, 0.5 रख दे रहा हूँ मैं, या एक 0.5 कहिए या 1/2 कहिए, बात तो वही हुआ। तो हमको एफ एक्स क्या प्राप्त होगा, 0.5 रखने पर देखिए 1/0.5, तो इसको जब हल करेंगे तो ये हमको ये 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। या हम बता देते हैं इसको, देखिए ये जब दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, कट के ये 2 आ जाएगा। तो जब इसको हम ग्राफ दिखाएंगे इस पर, तो देखिए आधा यहाँ पर है ना, 0.5 पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देखिए ये 2 आ गया, ठीक ना, ये आ गया अपना 0.5 और 2 आ गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, 1 ही रख लेता हूँ, यहाँ पर x का मान 1 रख ले रहा हूँ, तो x का मान 1/1 बराबर ये 1 आ गया, ठीक ना, तो ये हमको 1 प्राप्त हो गया यहाँ पर, ये 1/1 आ गया। अगर मैं 2 रख दूँ, देखिए यहाँ पर x का मान अगर 2 रख दूँ तो f2 का मान कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब ये 0.5, आधा है ये, तो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये आधा आ जाएगा, ठीक ना, तो ये आ गया 2 और 0.5 आ गया, ठीक ना। तो इसका मतलब देखिए, अब मैं यहाँ पर देखिए क्या रखता हूँ, अब ये 0.5 और 0 के बीच का कोई संख्या रख लेता हूँ, तो मैं रखूँगा x का मान 0.001 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर f क्या आएगा, 0.001 रख रहा हूँ तो 1/0.001 आया, ठीक ना। अगर इसको मैं दशमलव हटाता हूँ तो 1, 2, 3 ऊपर 3 जीरो लग जाएगा, 1/1 मतलब 1000 आया, मतलब अगर हम 0.001 मतलब लगभग यहाँ पर है तो ये लगभग ये बहुत ऊपर संख्या आ जाएगा, लगभग ये यहाँ पर लगभग 1000 है, 1000 बहुत ऊपर आएगा, तो लगभग हम मान लिए यहाँ पर 1000 आ रहा है यहाँ पर, ठीक ना। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ, ठीक ना, ये प्लॉट कर रहा हूँ, इसका मतलब यदि मैं देखिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, एक्स का मान 0 नहीं होगा, अपरिभाषित है, 0 और थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा अगर बड़ा मैं लूँ, मैं मान लिया 0.001 लिया हूँ तो इतनी बड़ी मान आया है। यदि मैं 0. देख लिए, यही x का मान अगर मैं 0.00001 ले लूँ तो एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 जीरो ऊपर लेगा तो मतलब 10^6 आ जाएगा, ठीक ना। तो 10^6 मतलब बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, मतलब एक y का मान या एफ एक्स का मान बहुत ऊपर आएगा, ठीक ना, मतलब लगभग ये मरे, देखिए x का मान 0 से थोड़ा सा भी ऊपर करें, बढ़ाएं आगे हम, ठीक ना, तो ये ऊपर बहुत ऊपर जा रहा है। फिर जैसे अगर इसका मान x का मान अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ देखिए उतर रहा है, ठीक ना, और ग्राफ कहाँ तक उतरेगा, अगर मैं 2, 3, 4 रखूँ तो ये ना बिल्कुल ये यहाँ पर टच नहीं करेगा, 0 को नहीं जाएगा, ठीक ना, ये उतर के देखिए यहाँ से ऐसे सीधे इसके लगभग लगभग एकदम करीब से पास पास चला जाएगा, मगर 0 को टच नहीं करेगा, मतलब ये पूरा बस इसी के जस्ट बगल से ऊपर से ही चला जाएगा, अनंत को जाएगा, इधर से इधर को भी जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें देखिए 0 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक ना, रेंज में हमको 0 नहीं प्राप्त होगा, ये बहुत करीब से ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, मगर टच नहीं होगा, ना ही ये ऊपर भी ऐसे चला जाएगा। तो इसमें x का जो रेंज में आ रहा है हमको 0 नहीं मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। इसी प्रकार जब हम इसे माइनस की संख्या रखेंगे तो ये भी हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, देखिए ये ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी बोलते हैं हाइपरबोला बोलते हैं, ये आगे के चैप्टर में है इसका। तो हमको देखिए इसमें 0 कहीं नहीं टच होगा, तो इसका देखिए जैसे हमने यहाँ डोमेन लिखा है तो इसका हम यहाँ पे रेंज भी लिख दे रहे हैं, ये रेंज है, तो ये भी रेंज सभी वास्तविक संख्या बस 0 को छोड़कर, ठीक ना। तो ये डोमेन और रेंज इसका सेम होता है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा अध्ययन हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे निरपेक्ष मान फलन, निरपेक्ष मान
फलन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक ना, इसी को बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक ना, या इसको मापांक बोलते हैं, मापांक फलन, ठीक ना। तो क्या होता है इसको देखते हैं, देखिए एफ एक्स बराबर, ये मॉड का सिंबल होता है ये, ठीक है, मॉड होता है, इसका मतलब होता है x का मान आप कुछ भी रखिए, ठीक है, x का मान कुछ भी रखेंगे हमको हमेशा एफ एक्स का मान धनात्मक मिलेगा, ठीक ना। धन जैसे यहाँ पर हम माइनस फोर रख दें, यहाँ माइनस फोर रख रहे हैं तो हमको इस मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस फोर आएगा, अगर यदि फोर है तो कोई बात नहीं है, फोर ही आएगा, ठीक है। मतलब इस मॉडुलस का असर प्लस संख्याओं पर नहीं होता, अगर माइनस में है तो उसको प्लस करके बाहर कर देता है, ठीक है, माइनस थ्री है तो ये थ्री बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको देखिए, इस फंक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स, देखिए यक्स कब रहेगा, जब यक्स का मान बड़ा होगा जीरो या बराबर होगा जीरो से, ठीक ना। मतलब यदि यक्स का मान जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, तो यदि इसके अंदर आप थ्री रखेंगे तो आंसर थ्री ही आएगा, ठीक ना। इस मॉडुलस का इस पर कोई असर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, तो फोर है तो फोर आएगा, फाइव है तो फाइव आएगा, ठीक ना। और फिर यदि यक्स का मान अगर आप छोटा रखते हैं जीरो से, जीरो से छोटा मतलब आपको माइनस में रख रहे हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री रख रहे हैं, तो देखिए जो माइनस थ्री अगर हमने रखा तो बाहर प्लस थ्री आया, ठीक ना। तो ये हुआ कैसे, क्या किया, इस माइनस तीन में जब तक आप माइनस वन का इंटू नहीं करेंगे तब तक ये आपको प्लस में नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो ये कर क्या रहा है, ये मॉडुलस जो क्या कर रहा है, ये जब भी आप कोई संख्या माइनस में दे रहे हैं तो उसके संग एक माइनस का इंटू करके दे रहा है ये वापस, तब ना माइनस माइनस प्लस में हो जा रहा है। तो देखिए माइनस थ्री है, आपने माइनस थ्री दिया, एक माइनस आगे लगा दिया इसने, तभी ये बाहर थ्री बन के बाहर आ रहा है, ठीक ना। तो मतलब जब हम यक्स का मान छोटी संख्या रखेंगे जीरो से, मतलब माइनस वन, माइनस टू या माइनस वन पॉइंट टू, वन माइनस वन पॉइंट थ्री कुछ भी रखें, तो हमको यहाँ पर क्या एक माइनस ये भी मिला के दे रहा है। देखिए अगर ये माइनस है और यक्स का मान अगर हम माइनस थ्री रख रहे हैं तो इस माइनस और इस माइनस के कारण ये प्लस में आ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए ये माइनस माइनस एक्स, ये जब एक्स का मान छोटा होगा जीरो से तो एफ एक्स बराबर हम माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यदि हम यहाँ पर रखते हैं, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं तो इसका डोमेन और रेंज पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ दिखाते हैं इसका, जीरो एक दो तीन चार, 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 एक्स अक्ष है ये, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, वन टू थ्री फोर, एफ एक्स या वाई, ठीक ना। तो अब देखिए अगर अगर हमें यहाँ पर एक्स का मान जीरो रखूँ तो यहाँ से जीरो है ना, ये जीरो है तो ये एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स काम करेगा x, मतलब ये जीरो आ जाएगा हमको, ठीक ना। x का मान अगर माइनस वन रख लें, हम वन रख लेते हैं, पहले वन रख लें तो देखिए बड़ा है तो ये वाला काम करेगा वन, टू रखेंगे तो टू आएगा, ठीक ना, इसमें टू रखें। अब देखिए अगर माइनस की संख्या रखें, माइनस वन रख रहे हैं तो ये वाला फंक्शन काम करेगा अभी, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, यहाँ देखिए माइनस एक्स, ये वाला फलन लिखेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस वन बराबर ये वन आ गया, ठीक ना। एक्स का मान अगर टू, माइनस टू रख लें तो ये देखिए माइनस टू रख रहे हैं तो माइनस और ये माइनस टू, मतलब ये प्लस में आ रहा है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए जीरो पर जीरो है और एक पर एक, दो पर दो है, तो एक पर एक और दो पर ये दो है, ठीक ना। और अगर x का मान माइनस वन रखे तो प्लस वन आ रहा है, ठीक ना, तो माइनस वन पर प्लस वन आ रहा है, टू माइनस टू पर प्लस टू आ रहा है, ये देखिए, ठीक ना। तो जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए ये आता है इस प्रकार और ये इस प्रकार आएगा, ठीक ना। तो ये ग्राफ हो गया मॉडुलस का है ये, ठीक ना, इसका फंक्शन।
तो अगर अब हम इसको देखकर डोमेन और रेंज निकालें तो देखिए डोमेन क्या आएगा, ठीक ना। तो डोमेन का मतलब मालूम हुआ, प्रांत बोलते हैं, तो डोमेन लिख रहे हैं हम इसमें। तो देखिए डोमेन का मतलब आप एक्स का मान क्या रख सकते हैं, तो एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ आर हो गया। रेंज मतलब हमको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, तो इसमें देखिए हमको चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें हमको हमेशा प्लस में प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा आर प्लस, ठीक ना। आर प्लस का मतलब होता है, देखिए ये होता है जीरो से अनंत तक, ठीक ना। तो इस प्रकार ये निरपेक्ष मान फलन का हो गया। देखिए अब पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फलन, सिग्नम फलन फंक्शन, ठीक ना। तो ये क्या होता है, तो सिग्नम फंक्शन में देखिए अगर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स, ये कब होगा, जब एक्स जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक ना। और जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर ये जीरो होगा, ये हमको दिया हुआ है। तो देखिए एक्स बराबर जीरो नहीं होने पर दो कंडीशन मिलता है, या तो ग्रेटर देन जीरो हो या तो लेस देन जीरो हो, ठीक ना। तो हम इसको देखिए एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे देखिए यदि जब एक्स बड़ा हो जीरो से, ठीक ना, एक्स का मान जीरो से बड़ा हो मतलब वन हो टू हो, तो यहाँ पर अगर हम वन टू रखें तो वन बटे वन, ठीक ना, मतलब एक्स का मान मतलब क्या है कि प्लस में हो, है ना, धनात्मक संख्याएँ हों, तो देखिए एक्स बटे एक्स ही होगा, है ना, कट के ये हमको एक प्राप्त हो जाएगा, धनात्मक में रखा है। और अगर x का मान छोटा हो जीरो से माइनस में हो तो देखिए क्या आएगा, एक माइनस ये हमको फलन लिखा जाता है, x बटे x लिखा जाता है, ये हो गया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, है ना, लेस देन है तो माइनस में, मतलब कोई भी संख्या अगर हम माइनस में रखें तो मॉड के कारण वो प्लस में हो जाएगी। अब प्लस में क्यों होगी, क्योंकि एक माइनस में यहाँ पर रहा होगा इसलिए, ठीक ना। इसके पहले जस्ट जो हमने अभी पढ़ा था यही यहाँ यूज हो रहा है, तो देखिए ये कट कर ये बराबर माइनस वन हो जाएगा, और एक्स बराबर जीरो पर क्या दिया हुआ है, ये जीरो ही दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका मतलब यदि हम इसको लिखें तो देखिए ये आ रहा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर वन आ रहा है, एक्स लेस देन जीरो पर माइनस वन आ रहा है, और जीरो पर ये जीरो आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में यही लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन, ठीक ना, तो एफ एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिए क्या आता है इसका ग्राफ, ये रख ले रहे हैं, वन टू वन टू वन टू वन टू, एक दो एक्स अक्ष, एक दो वाई अक्ष, वाई अक्ष मतलब एफ एक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ये जीरो हो गया, ठीक ना। तो यदि हम यहाँ एक्स का मान रखें कोई भी, यहाँ पर रखने के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, तो मतलब हमको डोमेन क्या प्राप्त हो गया, ये R हो गया, ठीक ना। और रेंज क्या प्राप्त होगा, देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि मैं जीरो रखूं, x बराबर जीरो रखूं, तो हमको जीरो प्राप्त होगा, ठीक ना, तो ये रहा जीरो, ठीक। और अगर मैं x के बड़ा मान रखूं, मतलब 0.1 रखूं, 0.2 रखूं, 0.33 रखूं, तो 0.44 रखूं, मतलब जीरो न हो, जीरो से बड़ा संख्या हो सकता है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ग्रेटर देन जीरो पर वन प्राप्त होगा, ठीक ना। तो ये हमको ये वन प्राप्त हुआ। अब देखिए ये ऐसे, ठीक ना, मतलब ये अगर एक्स के मान बड़ा ले रहे हैं हम, तो हमको ये वन नहीं प्राप्त, मतलब ये जो है ना ये जीरो नहीं होगा, जीरो से हमको बड़ा, मतलब ये वन यहाँ से हमको, मतलब हम जीरो से बड़ा कोई मान रख रहे हैं तो हमको ये वन प्राप्त होगा, ये वन प्राप्त होगा, ठीक ना। गोला इसलिए किए हैं कि जीरो पर ये हमको वन नहीं प्राप्त होगा, ठीक ना, जीरो पर हमको जीरो ही प्राप्त होगा, इसलिए डार्क किया हुआ है, ठीक ना। और जीरो से थोड़ा सा बड़ा अगर हम बढ़ेंगे तो हमको एक प्राप्त होने लग जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक्स एक्स से जीरो से बड़ा है तो वन रखें, चाहे टू रखें, थ्री रखें, फोर रखें, अनंत तक लिखें, तब भी ये हमको ये वन ही वन प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक ना। बस जीरो पर ये वन नहीं है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, जीरो पर जीरो ही है ये।
अब देखिए अगर माइनस की तरफ लिखें तो माइनस की तरफ रखें तो अगर हम 0 पॉइंट देखिए माइनस में अगर माइनस 0.001 रखें तो हमको यहाँ पर ये -1 वैल्यू आएगा, ठीक ना, ये -1 वैल्यू आएगा। मगर देखिए इसको यहाँ पर भी एक ठो ये करेंगे क्योंकि हम 0 पर 0 आ चुका है, ठीक ना। हमको 0 से -1 में संख्या अगर चाहिए कोई मान रखेंगे हम एक्स का तो हमको ये प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा ऐसे, ठीक ना। तो इसको याद रखें यहाँ पे गोला इसलिए मारे हैं डार्क नहीं किए हैं क्योंकि 0 पर 0 मान है, तो 0 पर यहाँ हम ये लाइन खींच रहे हैं ना, तो ये वाला अगर हम देखें अगर ऐसे लिख दें, देखिए अगर ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक ना, तो इसका मतलब शो हो रहा है कि 0 पर भी ये -1 है, ठीक ना, 0 पर -1 है, इसलिए हम यहाँ पर गोला कर दे रहे हैं कि हमको 0 पर ये -1 नहीं है, हमको 0 से बड़ा मान पर हम रख रहे हैं तो हमको -1 -1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह एक का कितना भी माइनस माइनस इनफाइनाइट तक ले जाएं तो हमको -1 ही प्राप्त होगा। तो अब देखिए हमको रेंज में मिल क्या रहा है, रेंज में हमको बस ये 3 ही मान मिल रहा है, 1 -1 और 0। तो इसको क्रम से अगर लिख लें तो ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 0 रख लेते हैं, -1 रख लिए और ये 1 रख लिए, तो इसका देखिए रेंज हमको यही मिलेगा, ठीक ना। मान एक्स का कोई भी मान रख दे हमको 1 0 -1 ही प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये सिग्नम फंक्शन हो गया। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक ना, महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर और फलन है ना, फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो इसको हम देखिए क्या बोलते हैं, एफ एक्स बराबर इसको इस प्रकार लिखते हैं, ठीक ना, बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए इसको बोलते हैं, देखिए लिखते हैं कैसे, ग्रेटेस्ट इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक ना। तो देखिए इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो ये लाइन बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको हम देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी हम पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए एक्स से, ठीक ना। इसका मतलब देखिए अभी हम केवल इंटीजर पूर्णांक से ले रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक्स बराबर यदि हम 2.1 लिख दें, ठीक ना, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर लिखा 2.1 तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखिए 2.1 लिखा है इसका मतलब पूर्णांक जो हमको प्राप्त होना चाहिए वो छोटा या बराबर होना चाहिए 2.1 से। तो देखिए बराबर जो पूर्णांक हमारा जो आंसर होगा वो पूर्णांक देखिए 2.1 के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि पूर्णांक 2.1 तो होता ही नहीं है, ठीक ना। अब इससे छोटा पूर्णांक खोजते हैं हम, तो देखिए संख्या रेखा पर देखते हैं, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए -2 2.1 यहाँ लिखा है, 2.1 यहाँ है, तो इससे छोटा कौन कौन से पूर्णांक है, 2 है 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसका क्या पूर्णांक प्राप्त हुआ, पूर्णांक देखिए ये प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिख देंगे 2 1 0 -1 -2 इस तरह प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो इससे छोटा या बराबर, तो बराबर तो होगा ही नहीं क्योंकि 2.1 तो पूर्णांक होता ही नहीं है, तो इससे छोटा 2 मिला 1 मिला 0। अब देखिए इनमें से ग्रेटेस्ट मतलब महत्तम पूर्णांक मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक ये 2 है। तो इस प्रकार एफ एक्स का मान कितना आया, देखिए 2 आएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल और ले लेते हैं अच्छे समझ आ जाएगा, एक्स बराबर अगर हम 3.9 ले रहे हैं, ठीक ना, तो ये आया एफ एक्स बराबर 3.9। अब देखिए इसमें क्या है, हमको बोला पूर्णांक छोटा या बराबर होना चाहिए एक्स से, मतलब एक्स मतलब 3.9 से। तो सबसे पहले पूर्णांक 3.9 तो होता ही नहीं है इसलिए इसके बराबर तो ये हुआ नहीं, तो इससे छोटा जो भी इससे छोटा देखिए लेस देन बोलता है, ठीक ना, इससे छोटे पूर्णांक लिखे यहाँ पर, तो कौन है, 3 है 2 है 1 है 0 है -1 है -2 है इस प्रकार। और इसमें देखिए महत्तम पूर्णांक बोलता है मतलब जो इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है उन्हीं को लिखिए ऐसे,
है ना, जो इनमें जो पूर्णांक मिला वो सबसे जो है वो आंसर आएगा। तो ये हुआ एफ एक्स या 3.9 बराबर ये क्या प्राप्त हुआ, ये 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। एक एग्जाम्पल माइनस वाला ले लेते हैं, देखिए x बराबर -2.3 ले लिए, देखिए पूर्णांक लेस देन और इक्वल टू -2.3 होना चाहिए, ठीक ना। सबसे पहले तो इसके बराबर होगा नहीं क्योंकि 2.3 कोई पूर्णांक नहीं होता, तो इसे छोटा लेते हैं। तो देखिए छोटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा लिखा ना 2.3 लगभग कहाँ पर आ जाएगा, ये 3, तो ये -2.3 यहाँ पर आएगा, ठीक ना। -2.1, -2, -3, -4, -5, -2 आ गया, ठीक ना। तो ये आया -2.3 यहाँ आया, ठीक ना। अब मैं अगर इससे छोटा पूर्णांक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा छोटा पूर्णांक लेना है मेरे को, तो हम इधर नहीं जाएंगे, ठीक ना। संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपने दाईं तरफ वाला हमेशा बड़ा होता है अपनी बाईं तरफ से, ठीक ना। तो इधर बड़ा चाहिए हमको, छोटा चाहिए, देखिए लेस देन चाहिए, तो हम इसको इधर लेके चलेंगे। तो 2.3 के बाद ये प्राप्त हो रहा है जो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, इस प्रकार मिल रहा है। और इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपका -3 है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका आंसर -3 प्राप्त होगा, ठीक ना। अब देखिए एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं, तो x बराबर 5 ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा f 5 बराबर क्या आएगा, तो देखिए इसमें लिखा पूर्णांक क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक ना। तो x क्या है, 5 है, तो ये पूर्णांक बराबर 5, 5 तो एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है ये, तो इसलिए पूर्णांक क्या आ गया, ये 5 ही आ गया। यदि ये पूर्णांक नहीं होता तो हम इससे छोटा संख्या खोजे होते जो इन सबों में खोजे हैं, मगर हमको एक पूर्णांक ये तो प्राप्त ही हो गया है, इसलिए अब कुछ नहीं करेंगे इसको, ये आंसर ही 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार इनके देखिए ये महत्तम पूर्णांक फलन हो गया।